हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा रहने वाला है। तो आज हम इसे बेसिक से करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। जो पहले के भी सेशन हमारे हुए हैं, रेशियो प्रोपोर्शन परसेंटेज हुआ है, एवरेज हुआ है, एलसीएम एचसीएफ और वो हुआ है, ठीक है, सारों के छोटे छोटे सेशन है, आप उन्हें कंप्लीट देख सकते हो, तो आपको वो मिल जाएगा। और टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारे इंपॉर्टेंट हेल्पफुल नोट्स मिलते रहते हैं। और जो भी आपके मतलब रहेगा, वहाँ पे भी पोल कराया हुआ है, आप किसकी प्रेपरेशन कर रहे हो तो उसका आप वहाँ पे पोल के जरिए बता सकते हो, उसी के बेस पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ पे मिलते रहेंगे। चलिए, सिंपल इंटरेस्ट आपको पता होगा, यानी कि जो भी हमारा 10+2 लेवल का एग्जाम है, यानी कि JKSSB में, और जो भी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है, वहां पे भी सिंपल इंटरेस्ट का जो टॉपिक है वो पूछा जाएगा। हम बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल तक चलते हुए आगे बढ़ेंगे सिंपल लैंग्वेज में, तो आपको इजी वे में जो बन जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों में जरूर शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले मैं बात करूं जो आपका क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट समझने से पहले कुछ दो बातें इंपॉर्टेंट आप समझ लीजिए, यानी कि एक होता है बोरोर, एक होता है लैंडर, ठीक है। दो के बीच बहुत सारी कंफ्यूजन जो रहती है, ठीक है। तो बोरोर और लैंडर, ठीक है, जो बोरोर हो जाता है वो कौन होता है, जो उधार लेता है, ठीक है, जो कौन होता है उधार लेता है, और लैंडर कौन होता है जो उधार देता है, ठीक है। दो के बीच बोरोर उधार लेने वाला और लैंडर कौन उधार देने वाला, ठीक है। जैसे आपने बैंक से कोई लोन लेना है, ठीक है, आपने बैंक से लोन लेना है तो आप क्या हुए बोरोर हुए, और बैंक ने आपको लोन देना है तो आप क्या हुए बैंक क्या हुआ आपके लिए लैंडर हुआ। जो आपको पैसे देगा वो क्या हुआ लैंडर हुआ, और जिसने पैसे लिए उधार पे वो बोरोर होता है, ठीक है। दो पॉइंट आप नोट कर लीजिए, आपको सिंपल इंटरेस्ट तो फिर इजी वे में पता चल जाता है, ठीक है। तो अब बात करूं सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट की बात करूं, सिंपल यानी कि बिल्कुल जो इंटरेस्ट होता है उसकी बात करूं। इंटरेस्ट क्या होता है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट यानी कि एक्स्ट्रा पैसे, जो एक्स्ट्रा पैसे कौन जिसने क्या लिए होते हैं उधार लिया होता है, जिसने उधार लिया होता है अगर वो कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे रहा है किसी को, एक्स्ट्रा पैसे किसको दे रहा है जिससे उसने उधार लिया है, उसको अगर एक्स्ट्रा पैसे दे रहा है तो वो ही क्या आ जाता है सिंपल इंटरेस्ट आ जाता है। इसको कैलकुलेट करने के बहुत सारे सिंपल सिंपल फार्मूलास हैं, उन्हें हम आगे पढ़ेंगे। अभी मैं सिंपल बात कर रहा हूं, जहां पे दोबारा सुनिए, सिंपल इंटरेस्ट या इंटरेस्ट क्या होता है, वो वाली क्वांटिटी होती है पैसों की जो कौन देता है किसी को, जिसने उधार लिया होता है, और उधार लेने पे जो उस पर कर्ज लगता है यानी कि टैक्स लगता है, एक्स्ट्रा पैसे इंटरेस्ट लगता है, वो किसी को दे रहा है। इधर दो केस होते हैं बोरोर और लैंडर। बोरोर कौन होता है जो पैसे लेता है, और लैंडर कौन होता है जिससे वो खुद लेता है, जो पैसे देता है वो लैंडर हो गया, ठीक है। और जिसने उधार लिया है वो जो एक्स्ट्रा पैसे किसके साथ, जो उसने लिए हुए हैं उनके साथ किसको दे रहा है लैंडर को दे रहा है, वो सिंपल इंटरेस्ट होगा। मान लो आपने क्या किया 100 रुपीज लिए किसी से, ठीक है, तो आपने उसको कितने रुपीज दे दिए 120 दे दिए, 100 रुपीज लिए और 120 आपने उसे दे दिए। कुछ समय भी होगा इसमें, मान लो आपने अपने घर के एग्जाम्पल लेते हैं, आपने अपनी बहन से या भाई से कितने पैसे लिए 100 रुपीज लिए, उसको आपने बोला मैं तुम्हें 7 डेज के अंदर दे दूंगा और 7 डेज में तुम्हें 120 दूंगा, ठीक है। लेकिन आपने उसको 100 तो वापिस दिए, लेकिन साथ में उसे 20 रुपीज एक्स्ट्रा भी दिए, जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी आपने अपने भाई को दिया क्योंकि आपने उससे उधार लिया था, वो लैंडर था। जो एक्स्ट्रा अमाउंट बोरोर किसको दे, लैंडर को दे, जो बोरोर किसको दे एक्स्ट्रा अमाउंट लैंडर को दे, उसको ही हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। क्या था, जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी है वो कौन पेड करता है बोरोर किसको, लैंडर को, उसी को हम बोलते हैं इंटरेस्ट, ठीक है। जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं हम किसमें, डेफिनेट टाइम में, जो डेफिनेट टाइम में इंटरेस्ट होता है उसे हम जब कैलकुलेट करते हैं वो होता है सिंपल इंटरेस्ट। अब दोबारा इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है, जो इंटरेस्ट होता है, सपोज करो मैं ही हूं, मैंने किसी को पैसे दे दिए, जे ले भाई 100 रुपया जब तेरे पास होंगे तो मुझे 120 दे देना, कुछ समय की बात नहीं की, जब समय की बात नहीं की वहां पे जो लगेगा, जो एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे वो इंटरेस्ट हुआ। जब मैंने किसी को 100 रुपीज दिए और उसको बोल दिया 7 डेज के अंदर अंदर तुम मुझे लौटा देना और कितने पैसे पे तुम मुझे उसके 120 रुपए दे देना,
जब उसने एक्स्ट्रा पैसे भी पेड करने हैं और कुछ डेफिनेट समय भी उसको बता दिया है, तो वो क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा। इसकी डेफिनेशन इन इजी लैंग्वेज में मैंने आपसे बात कर दी, ठीक है, तो इसे भी आप नोट डाउन कर सकते हो। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट सॉल्व करने में एक और इंपॉर्टेंट टर्म रहती है हमारी, क्या, प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल कौन सा होता है, जो मनी बारोड यानी कि क्या किया जाता है, लिया जाता है, किससे लिया जाता है, जो उधार देने वाला होता है, जहां डिपॉजिट किया जाता है किसी समय के लिए, ठीक है, किसी समय के लिए। सपोज करो आपने क्या किया, आपके पास 10,000 थे, आपने उसे बैंक में जाके फिक्स करा दिया यानी कि एक ईयर के लिए आपने फिक्स करा दिया। आपको फिक्स कराने पे उस पर 7% 6% टैक्स लगा, सॉरी इंटरेस्ट लगा, तो आपको कितने जो एक्स्ट्रा मिलेंगे वो भी आपका क्या हो जाता है, प्रिंसिपल हो जाता है। जिन पे एक्स्ट्रा मिलते हैं, जितने आपके पास पैसे थे आपने उनको लेके बैंक में रखा, तो वो क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट, सॉरी प्रिंसिपल हो जाता है। जब आपने जिससे जितने पैसे लिए वो क्या हो जाता है, प्रिंसिपल हो जाता है। मैंने किसी को 100 दिया वो प्रिंसिपल हो गया, किसी से 100 लिया वो प्रिंसिपल हो गया। जो उस पे एक्स्ट्रा पैसे लिए, 100 दिया था 120 लिए, जब 100 लिया था 120 दिए, जो 100 था वो प्रिंसिपल हो गया, जो एक्स्ट्रा आए वो इंटरेस्ट हो गया। अगर स्पेसिफिक समय यानी कि डेफिनेट टाइम की बात की गई हो इंटरेस्ट में, वो होता है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, कॉपी कर लो इनको। अब बात करूं नेक्स्ट टर्म सिंपल इंटरेस्ट, जब बात कर रहे हो वहां पे अमाउंट क्या रहता है, तो जब भी आपसे बात हो अमाउंट क्या हो जाता है, जितना भी आपके पास क्या हो, प्रिंसिपल आया हो और प्लस जितना कुछ समय में इंटरेस्ट आया हो, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, जब इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का सम अप होगा उसे ही हम क्या बोलते हैं, अमाउंट, ठीक है। मान लो आपने क्या किया, किसी को 100 रुपीज दिए, यानी कि जहां डिपॉजिट किए बैंक में, और उस बैंक के आपको कितने मिल गए, 120 रुपए मिल गए, कितने समय में, एक ईयर में, ठीक है, स्पेसिफिक टाइम बात कर दी। 100 रुपीज डिपॉजिट किए थे, आपको कितने मिले, 120 मिले, यानी कि 20 रुपीज आपको क्या मिला, सिंपल इंटरेस्ट मिला एक साल में, ठीक है। तो जो आपने डिपॉजिट किए थे और जो इंटरेस्ट वाले पैसे आए, टोटल कितने हो गए, 120, तो इनको हम क्या बोलते हैं, टोटल अमाउंट बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं, ठीक है। जहां मान लो आपने बैंक से 100 रुपीज लिए थे और उसे कितने पेड किए आपने, 120 पेड किए, तो जो इधर 120 टोटल हुए इसे भी हम क्या बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं। इधर देख सकते हो क्या डेफिनेशन है, सम ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इज नोन एज अमाउंट। जो भी अमाउंट का क्या होता है, सम प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के बराबर आता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करूं रेट, ठीक है, नेक्स्ट बात करूं रेट होता है। सपोज करो आपने क्या किया, बैंक से लोन लिया, ठीक है, लोन लिया, तो आपने 100 रुपीज का लोन लिया, कितने समय के लिए लिया, 2 साल के लिए लिया, टाइम लिया आपके पास स्पेसिफिक, और बैंक ने आपको बोल लिया आपने मुझे 1 साल में कितने पैसे देने हैं, यानी कि उसने आपको रेट बता दिया 10% आप पे बता दिया, यानी कि आप मुझे 100 रुपीज में एक ईयर में कितने पैसे दोगे, 10% दोगे एक ईयर की, क्योंकि जे पर एनम ही रहता है रेट, जो लगता है वो हमेशा पर एनम लगता है, कभी कभी हाफ ईयरली भी होता है, लेकिन वो स्पेशल केस होते हैं, लेकिन ज्यादातर एनुअली ही रहता है। उसने बोल दिया आपको मुझे 10 रुपए के हिसाब से पर ईयर पैसे देने हैं, तो 100 रुपीज आपने बोला था, तो एक ईयर के बाद कितने हो जाएंगे आपके, 110 हो जाएंगे, फिर दूसरे ईयर के बाद 10% 100 पे ही लगना है, तो 120 आपके पास टोटल पैसे जो आपने बैंक को देने हैं, जो टोटल 20 आया जे इंटरेस्ट हो गया, जो 100 था जे प्रिंसिपल हो गया, और जिस रेट यानी कि आपको कितने कितने पर ईयर इंक्रीज होने हैं वो रेट होता है, ठीक है। द रेट एट विच द मनी इज लेंट, आपको बताया जाता है आपने इस दर्रे से पैसे हमें लौटाने हैं, जब आपको इतने मिलेंगे बैंक पे रखने के बाद। तो जे थी कुछ टर्म है, तो कल हम इसके इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट फार्मूले के जरिए डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन में बस इतना ही, वीडियो को शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो में बस इतना।